आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सादगी के साथ मनाया गया ईद उल अजहा बकरीद का पर्व। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर दी बकरीद की बधाई। कहा, अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी, अल्लाह को खुश करने के लिए दी जाती है कुर्बानी। बकरीद की नमाज और कुर्बानी को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट रही जिले की पुलिस। बकरीद का त्योहार सकुशल हुआ संपन्न। एसपी सिटी ने कहा, सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न कराया गया बकरीद का पर्व। ईद उल अजहा बकरीद पर्व पर जनपद में ट्रैफिक विभाग द्वारा रूट का रहा डायवर्जन। रूट डायवर्जन का कड़ाई से करवाया गया पालन। डायवर्जन रूट के निर्धारित मार्ग पर ही गाड़ियों का हुआ संचालन। चार अप्रैल को लूट व अन्य घटनाओं में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को कैंट व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त सूरज कुमार को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गोयल की अध्यक्षता में सकुशल हुई संपन्न। कहा, 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे होंगे 100 साल। 2025 तक गोरक्ष प्रांत में 1,000 सेवा केंद्र खोलने का है लक्ष्य। और एक निजी संस्थान के द्वारा सिविल लाइन्स स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान।